ऐसे लोग जो हमारे घरों को उजाड़ा करते हैं। महिलाओं से मेरा निवेदन है, परिवार में कभी दुख मिले, पीड़ा मिले, कष्ट मिले, तो पड़ोसियों के सामने कभी आंसू मत बहाना। पड़ोसी के सामने आंसू बहाओगे, ये कोई आंसू ना पहुंचेंगे, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाया करते हैं। आपसे इतना निवेदन है, मन करे रोने का तो इंसान की तरफ मुंह करके मत रोना, मंदिर जाना और भगवान के सामने अकेले में दो आंसू ढुलका लेना। अरे दीवार की तरफ मुंह करके आंसू बहा लेना, मन हल्का हो जाएगा। रो जरूर, क्योंकि महिलाएं बिना रोए रह नहीं सकती हैं। ध्यान रखो, दो चार तो टपक ही आते हैं एक दो बार, खूब रो, दीवार की तरफ मुंह करके रोना। आप कहेंगे महाराज दीवार की तरफ मुंह करके रोएंगे तो कौन से दुख मिट जाएंगे? अरे दुख तो ये पड़ोसी भी ना मिटाएंगे। एक बात याद रखना, दीवार की तरफ आंसू बहाओगे ना तो दीवार भले तुम्हारी सहायता ना करे, लेकिन एक विश्वास दिलाता हूं, दीवार तुम्हारी मजाक भी नहीं बनाएगी, तुम्हारे हंस आंसुओं की हंसी भी नहीं बनाएगी। ध्यान, अकेले में रो लीजिए, बहा लो आंसू, कुछ नहीं होता है। मान मान घरों को मत उजाड़े, क्या हो जाता है तुम्हें? शादी होती है, भाई भाई के व्यवहार में फर्क पड़ जाता है, लेकिन कुछ आदर्श परिवार आज भी हैं इस दुनिया में, जिन्हें हम अपना उदाहरण बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं। विचार करिए, आप सोचिए, ऐसे आदर्श परिवार भी दुनिया में होते हैं जो भाई के लिए दूसरा भाई जान देने को तैयार हो जाए। मैं एक शहर में गया और जैसे ही मैं गया उसके घर में गया, उसने पूरे घर में चरण पड़वाए। मैंने कहा तू मुझे मकान दिखा रहा है? बोले महाराज मकान नहीं दिखा रहा हूं, आपके चरण हर कमरे में पड़ना चाहिए। मैंने जब उसका मकान देखा, बड़ा आलीशान मकान, मैंने कहा इतना आलीशान मकान, इतना सुंदर मकान तुम्हारा, मालूम है? उस भाई के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा महाराज ये मकान मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? ये मेरे बड़े भाई का है। बड़े भाई का? बोले हाँ। जब मेरे बड़े भाई ने ये मकान बनाया और मुझे बुलाया कि भाई आओ, पहला निमंत्रण मैं तुम्हें देता हूं, उसके बाद मैं समाज को दूंगा। और जैसे ही मैं आया और मेरे मुंह से इतना निकल गया कि भैया ये मकान बनाया है या स्वर्ग बनाया है, इतनी खूबसूरत कोठी तुम्हारी। मेरे भाई ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुझे इतना पसंद आ रहा है? बोले हाँ। उसी समय मेरे भाई ने चाबी मेरे हाथ में रख दी, याद से मकान में तेरे नाम करता हूं। ध्यान रखो मान्यवर, इतनी बड़ी दौलत है किसी के पास, इतना बड़ा दिल, एक एक इंच जमीन के लिए अदालत में खड़े हो जाते हो, ये कैसी मानवीयता है तुम्हारी? विचार। मकान दे दिया उसने, विचार करिए आप, एक शब्द निकला कि मकान सुंदर है। भाई ने कहा आज से इस पर तेरा अधिकार। मुझे एक घटना याद आती है, मैं बचपन में था, मेरा एक अमीर दोस्त था, उसका जन्मदिन आया, उसके भाई ने उसे एक चमचमाती कार इनाम में दी। उसने मुझे बुलाया कि बोले यार मेरे भाई ने मुझे कार दी है, चलो आज अपन घूम के आते हैं। उस दिन बड़ी खुशी हुई, मैं कोई बहुत बड़े शहर का रहने वाला तो था नहीं, पहली बार पूरे गांव में कार आई थी। उसने बिठा करके मुझे घुमाया, ऐसा लगा कि अपन ही नरेंद्र मोदी हैं, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं। ध्यान रखिए, बैठ करके कार में जब उसने मुझे चक्कर लगाए, एक गांव से चल करके वह शहर आया। मेरे गांव के पास जबलपुर एक शहर है, एक रेस्टोरेंट में उसने कहा कि चलो कुछ खाते हैं। घबराना मत, मैं उस समय महाराज नहीं था, उस समय तो सब खाता पीता था। ध्यान रखिए,
एक रेस्टोरेंट के सामने उसने गाड़ी खड़ी की। एक बच्चा गरीब, मैं देख रहा हूं कि वह आता है, जैसे बच्चों की आदत होती है कार में धूल जम जाती है ना, तो उस पर अपना नाम लिख देते हैं उंगली से। उस बच्चे ने अपना नाम लिखा और जैसे ही हम दोनों उस कार के पास गए, बच्चा घबरा गया। मैंने कहा भाग मत, ये बता तूने इस पे नाम लिखा। बड़ी हसरत से देखा उसने उस कार को। मैंने कहा कार तुझे बड़ी पसंद आ रही है, बड़ी बहुत सुंदर कार है, किसने दी? मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा जन्मदिन है, मेरे बड़े भाई ने मुझे ये कार दी है। तो जानते हो उस बच्चे के मुंह से निकला कि काश, इतना कहा और रुक गया। मैं समझा कि शायद बच्चा कह रहा है कि काश मेरा भी कोई ऐसा भाई होता जो मुझे कार प्रदान करता। मैंने उस बच्चे से कहा घूमोगे इस कार में बैठकर? बोले आप घुमाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल। पूरे शहर का एक चक्कर लगाया। लगाने के बाद बच्चा इतना खुश, इतना खुश। मैंने कहा अब उतर जाओ। मालूम उस बच्चे ने कहा कि मेरे घर तक छोड़ दोगे? अरे मुझे लगा ये बच्चा बड़ा गड़बड़ है, घर तक छोड़ दोगे, घर जाएगा, अपने मोहल्ले में बड़ी सेखी बघारेगा, कालर ऊंची करेगा, हम इतनी बड़ी कार में बैठ करके आए हैं। मैंने दोस्त की तरफ देखा, दोस्त ने कहा चलो छोड़ दो, घर क्या बिगड़ता है, आज ही तो कार खरीदी है। जैसे ही घर पर गए उसने कहा एक झोपड़ी में रहता था, उसने कहा यहाँ कार रोक दो। उसने कहा भाई साहब 2 मिनट इंतजार कर लो, मैं अपने भाई को लाना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा जा, भाई को शान दिखा दे कि मेरी बड़े बड़े लोगों से दोस्ती हो गई है। बोले 2 मिनट रुकिए प्लीज, 2 मिनट रुके। ऐसी घटना घटी कि वह जैसे ही भीतर गया और अपने छोटे भाई को जिसके दोनों पैर नहीं थे गोद में उठा करके लाया। और गोद में उठाकर जैसे ही लाया, छोटे भाई ने देखा कि भैया तुम इस कार में बैठकर आए हो, ये किसकी कार है? बोले देख वो जो सामने दो खड़े हुए हैं, एक के भाई ने ये कार दी है। मैं सुन रहा था कि ये क्या कह रहा है। मालूम है उस भाई ने अपने अपाहिज भाई से क्या कहा कि भैया देख एक दिन मैं भी पैसा कमाऊंगा और तेरे लिए ऐसी कार ला करके तुझे प्रदान करूंगा। फिर अपन दोनों बड़े मजे से एक खूबसूरत दुनिया देखेंगे, अपन दोनों घूमेंगे इस शहर में, तू चिंता मत कर भाई, मैं कमाई करूंगा जैसे भी होगा। हे भगवान इतना सामर्थ्य प्रदान कर कि इसके भाई की तरह मैं भी अपने छोटे भाई को एक कार प्रदान कर। विचार करिए आप, उसने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसी कार मिल जाए, उसने तो ये कहा कि ऐसी कार मिल जाए तो मैं भी अपने भाई को अपने हाथों से गिफ्ट कर सकूं। सोचिए, और आज आपका जीवन क्या है? आपके पास स्कूटर है, यदि बड़ा भाई कार ले आता है तो इंजन उतना नहीं जलता जितनी तुम्हारी छाती जला करती है। ले आया कार, बेईमानी की कमाई है, नंबर 2 की कमाई है। ये सारी गालियां तब निकलती हैं जब आदमी अपने आप से और किस्मत से हारा हुआ होता है। ध्यान रखिए, आपके पास यदि सामर्थ्य ना हो तो गाली निकलेंगी। ध्यान रखिए, जो आदमी जितनी गाली बकता है, जो आदमी जितना जोर से चीख करके बात करता है, वो भीतर से उतना ही पुरुषार्थहीन आदमी हुआ करता है, वो भीतर से उतना ही खाली होता है, उतना ही रिक्त हुआ करता है।